जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इसलिए आपको सेम सेटअप नहीं मिलेगा मेरे रिकॉर्डिंग रूम का, लेकिन ये मैं होटल रूम से आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि मैं अपडेट वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा। तो इस वीक की सारी रिलीजेस की अपडेट आपको इस वीडियो मिलने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, कहीं भी स्किप मत करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और दोस्तों यहां पर मोटी मोटी अपडेट्स कवर करने की कोशिश करूंगा, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है और एडिटिंग के लिए वीडियो जितना लंबा बन जाता है उतना मेरे को टाइम भी लगता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर जो मेन रिलीजेज है सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों 14 दिसंबर की, जहां रिलीज होने जा रही है अब आई बिलीव इन सेंटा। ये एक मूवी है जो कि इंग्लिश मूवी है, जिसे हिंदी डब लैंग्वेज में भी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे 14 दिसंबर से रिलीज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ कंगारू वैली एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जिसे दोस्तों नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज के साथ 14 दिसंबर को आपको रिलीज करके दे दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ग्लिटर ये एक इंग्लिश सीरीज है, जिसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों 14 दिसंबर से रिलीज किया जाएगा। और ये तीनों नेटफ्लिक्स रिलीजेज आफ्टरनून 1:30 PM इंडिया टाइम से हो जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों डांस ऑफ स्काई, ये दोस्तों स्काई एम्पायर, ये एक कोरियन सीरीज है, जिसे हिंदी डब लैंग्वेज में एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पे 14 दिसंबर से रिलीज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ एस्केप फ्रॉम शार्क बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, एक चाइनीज मूवी है जिसे हिंदी डब लैंग्वेज में यहाँ पे बुक माई शो पे रिलीज किया जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ साथ मुख, ये एक उड़िया मूवी है, जिसे कांचा लांका के प्लेटफॉर्म पे 14 दिसंबर से रिलीज किया जाएगा। और वहीं दो दिन ये एक बंगाली सीरीज है, बंगाली मूवी है, जिसे क्लिक ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों 14 दिसंबर से रिलीज किया जाएगा। अब बात करूं अगर 15 दिसंबर की, तो बड़ा रिलीज है फिजिक्स वाला, जो कि एक सीरीज अमेजॉन टीवी के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री रिलीज होने जा रही है। ये कहानी है ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड, और कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि खुद को फाउंडर और सीईओ बनने से पहले एजुकेशन सिस्टम के हाथों कैसे मार खाता है इंडिया में, वो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा फिजिक्स वाला सीरीज में, जो अमेजॉन टीवी के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 15 दिसंबर से। इसी के साथ साथ हैरी एंड मैगन का सीजन 2 आपको दोस्तों देखने को मिलेगा वहीं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे, जिसे हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर 3 शॉर्ट फिल्म्स रिलीज होंगी दोस्तों, जिसमें रस, ट्रस्ट मी और तसम, और दोस्तों इन्हें जो है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा 15 दिसंबर से। वहीं दोस्तों कारागार ये एक बंगाली सीरीज है, जिसके सीजन 2 को अब आप हॉय चॉय के प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे दोस्तों 15 दिसंबर से। अब बात कर लेते हैं 16 दिसंबर की, जहां बहुत सारी बड़ी बड़ी रिलीजेज होने जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओटीटी रिलीज कोड नेम तिरंगा की, जो कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी। लीड में हार्डी संधू और परिणीति चोपड़ा, और नेटफ्लिक्स पर इसका ओटीटी प्रीमियर दोस्तों 16 दिसंबर से होगा, यानी 15 दिसंबर की रात 12 बजे से ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ गोविंदा नाम मेरा, ये डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी, और दोस्तों इसे भी 15 दिसंबर की रात 12 बजे से ही डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये दो हिंदी मूवी हैं जो कि ओटीटी रिलीज होने जा रही हैं 16 दिसंबर को। इसके अलावा दोस्तों अरियप्पा ये एक मलयालम मूवी है, जो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे ओटीटी रिलीज होगी। इसी के साथ साथ अनंथा ये एक बंगाली मूवी है, जो Z5 के प्लेटफॉर्म पे 16 दिसंबर से रिलीज होगी। और दोस्तों इंडियन प्रीडेटर का सीजन 4 नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रहा है अब 16 दिसंबर से आफ्टरनून 1:30 PM। और दोस्तों इसी के साथ तमिल मूवी कल्ले आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एक बड़ा शो जो रिलीज होने जा रहा है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, इंग्लिश शो जो हिंदी डब लैंग्वेज में भी आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है द रिक्रूट, और ये नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों 16 दिसंबर से रिलीज होगा। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा तो एक अच्छी टीवी सीरीज लग रही है। इसके साथ साथ डीजे वाले बाबू ये एक हरियाणवी मूवी है, जो चौपाल टीवी के प्लेटफॉर्म पर 16 दिसंबर से रिलीज होगी। बात करूं 17 दिसंबर की, तो अंत ये एक उड़िया टीवी शो है, जिसे कांचा लांका के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा 17 दिसंबर से। बात करूं 18 दिसंबर की, तो षड्यंत्र एक नई हिंदी सीरीज है, जिसे Z5 के प्लेटफॉर्म पर 18 दिसंबर से रिलीज किया जाएगा। और सर सेनापति हंबीराव मूवी का टीवी प्रीमियर 18 तारीख को होने जा रहा है स्टार प्रवाह चैनल पे, लेकिन अगर इसमें कोई चेंज होता है मैं बता दूंगा, क्योंकि पहले भी इसका एक टीवी प्रीमियर पोस्टपोन हो चुका है। और दोस्तों इसके बाद बात करूं अगर 20 दिसंबर की, तो हनीमून पंजाबी मूवी का ओटीटी रिलीज होने जा रहा है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों अगले 4 दिनों में ये सारा बड़ा बड़ा कॉन्टेंट आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा काफी सारे छोटे कॉन्टेंट भी हैं, जो मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा पूरी लिस्ट, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। और ये मेरा पार्ट 1 है इस वीडियो का, क्योंकि कुछ सरप्राइज रिलीजेज अगर थर्सडे को जाती हैं तो वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी फ्राइडे को, जहां पर कोई सरप्राइज रिलीज हुई तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम से कनेक्टेड रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपडेट्स के लिए। तो अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।